How to fix WhatsApp not working, not opening or unfortunately stop problem. तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके WhatsApp पर आपको बहुत सारा प्रॉब्लम शो हो रहा है, जैसे कि unfortunately stop या फिर यहाँ पे ओपन नहीं होता आपका WhatsApp, या फिर कह लीजिए आपका WhatsApp बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, या फिर कोई भी रिलेटेड आपका प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम्स को आप कैसे फिक्स कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका WhatsApp किस लिए काम नहीं करता है इस वीडियो में हम देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, देखिए सबसे पहले तो हम बेसिक चीज़ें बातें करते हैं और उसके आगे मैं आपको एडवांस लेवल का सेटिंग्स बताऊंगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे यदि आपका व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा है सही से, मैंने जो भी प्रॉब्लम्स बताया, जो भी प्रॉब्लम है आपका, सबसे पहले इसे फिक्स करने के लिए आपको जो है प्ले स्टोर में जाके आपको अपना व्हाट्सएप को ढूंढना है, ठीक है, ढूंढ के आपको निकालना है। अभी ढूंढ के निकालने के बाद में आपको यहाँ पर अपडेट चेक करना है, यदि आपको यहाँ पर अपडेट आया हुआ है तब आपको यहाँ पर अपडेट कर लेना है, ठीक है। अपडेट करने के बाद में एक बार चेक कीजिए आपका व्हाट्सएप काम करता है कि नहीं। तो ये करने के बाद में दोस्तों अभी सेकंड सेटिंग्स आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग्स पे। अभी अपने मोबाइल के सेटिंग्स पे जाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको एकदम नीचे आना है और ऐप मैनेजमेंट में आपको जाना है, और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको ढूंढना है आपका व्हाट्सएप एप्लीकेशन, ठीक है। हो सकता है कि आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड ऐप्स के नाम से भी शो हो, मुझे यहाँ पर ऐप मैनेजमेंट के नाम से शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको WhatsApp ढूंढ लेना है, तो मेरा WhatsApp यहाँ पे आ चुका है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इसे फोर्स स्टॉप कर देना है, ठीक है, फोर्स स्टॉप कर दीजिए इसे। उसके बाद आपको स्टोरेज यूसेज में जाना है, क्लियर कैशी कर देना है। क्लियर कैशी करने के बाद में वापस जाके एक बार आप अपना WhatsApp को खोलिएगा, काम करता है कि नहीं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं, हो जाता है तो सही बात है, नहीं होता है तब आपको थर्ड स्टेप क्या करना है। अभी थर्ड स्टेप करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना व्हाट्सएप को बैकअप कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं आपको जो बताऊंगा ट्रिक्स, ये करने के बाद में आप व्हाट्सएप से लॉग आउट हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए पहले आप व्हाट्सएप में बैकअप कर लीजिएगा, बैकअप करने के बाद में आप यहीं पर वापस आइए और क्लियर डाटा कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए। ये करने के बाद में दोस्तों आप जो है व्हाट्सएप से लॉग आउट हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि बैकअप कर लीजिए सबसे पहले। उसके बाद में दोस्तों आपको यहीं पर आके डाटा यूसेज एंड स्टेटस पर जाना है, और यहाँ पे नेटवर्क परमिशन पे जाना है, और वाईफाई एंड मोबाइल डाटा आपको सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट करने के बाद में आपको बैक जाना है, बैक जाने के बाद में आपको परमिशन पे जाना है, और सारा परमिशन आपको अलाउ कर देना है, ठीक है, ये सारा परमिशन आपको अलाउ कर देना है। लोकेशन को आप ऑफ रखने से भी कोई बात नहीं है। उसके बाद में आपको बैक जाना है, बैक जाने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, अभी वापस बैक जाना है आपको। अभी बैक जाने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर फोर्थ सेटिंग जो है, फोर्थ सेटिंग यहाँ पे आपको सिस्टम एप्लीकेशन सेलेक्ट करना है, या फिर ऑल एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे आपको ढूंढना है सिस्टम ऐप, सिस्टम लॉन्चर आपको ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो सिस्टम लॉन्चर, इसके ऊपर क्लिक करना है, और स्टोरेज यूसेज में जाके इसे क्लियर डाटा कर देना है, इसे आप सिंपली क्लियर डाटा कर दीजिए। तो ये करने के बाद में आपको दोबारा बैक जाना है, बैक जाने के बाद में आपका मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट कीजिए और अपना व्हाट्सएप एप्लीकेशन को खोलिए, आपका व्हाट्सएप एप्लीकेशन स्मूथली काम करने लगेगा, आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बाय एनी चांस यदि फिर भी आपको प्रॉब्लम शो हो रहा है अपने मोबाइल में व्हाट्सएप के लिए, तब आपको सॉफ्टवेयर अपडेट पर क्लिक करना है, सेटिंग्स पर आके सॉफ्टवेयर अपडेट चेक कीजिए, यदि आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स आया हुआ है यहाँ पर तो आपको सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है। क्योंकि दोस्तों देखिए, कभी कभी हमारे एंड्रॉयड के अंदर जो अपडेशन आया है वो हमारे व्हाट्सएप में जो है कंफर्टेबल नहीं होता, इसी वजह से हमें प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो यदि आपको यहाँ पे यदि अपडेट करने का ऑप्शन आया सॉफ्टवेयर, तो अपडेट कर लीजिए, ये करने के बाद में तो 100% डेफिनेटली आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।